स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एन ओल्ड कमिटमेंट फुलफिल्ड इन अरुणाचल। एक्चुअली ये फ्लाइंग बीस्ट का एक व्लॉग है और जब हम लोगों ने मतलब अरुणाचली शादी भी देखी थी और उस साइड की काफी सारी व्लॉग देखी थी तो हमें काफी ज्यादा रिकमेंड किया गया था कि हम फ्लाइंग बीस्ट की वीडियो भी देखें, तो फाइनली आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें फ्लाइंग बीस्ट के चैनल को। उसके अलावा मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लिखा हुआ था ना, मोंगो रिवर फेस्टिवल रिवर के किनारे होता हुआ कितना अच्छा लग रहा ना। क्या व्यू है मॉल का, खूबसूरती। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी हम हैं अरुणाचल प्रदेश में, हम लोग आए हैं आलो में। आलो में हो रहा है योमगो रिवर फेस्टिवल 2020। मैंने पहना है जैकेट, दिस इज अ ट्रेडिशनल अरुणाचली ड्रेस। ये मेरी ट्रेडिशनल हैट। तो ये जो ये लगा हुआ है स्टिच, ये पीछे होना चाहिए और आगे होना चाहिए। तो इससे ये हस्बैंड्स के लिए बहुत बेनिफिशियल लगा, क्योंकि अगर आप ऐसे पहन रहे आपकी बीवी ने कुछ किया चोच मार सकते हैं इसको। चोच है, नुकीला है ये। सुबह पहनाने ये खुद क्यों उतर गई पूरा रीना बताएं। तो वहाँ पे तुम्हारे सारे स्टॉल्स हैं, सामने ये है योमगो रिवर। बहुत ही सही क्लियर देखो ना, कितना क्लीन रिवर है। कोई मेरे को वैसे ही याद आ रही है, डॉकी गया था ना मैं, डॉकी में क्लीन रिवर थी। तो रात को क्या होगा, म्यूजिक फेस्टिवल रात को। म्यूजिक क्या बोलते हैं उसको, पोनुंग। पोनुंग सो पोनुंग ट्रेडिशनल डांस होता है, वो भी दिखाएंगे आपको। सो दिस इज द ट्रेडिशनल हैट, अब मैं पहनूंगा इसको। तो ये ऐसे नीचे आएगी क्या, इतना बड़ा मुंह है भाई, ए जोकर लग रहे हो। शाहरुख खान लग रहा हूं, जोकर जोकर शाहरुख खान को जोकर बोल लीजिए। अच्छा रुको, ये बहुत कीमती बाल है क्योंकि ये कुछ सालों में झड़ने वाले हैं। इसको मैं इसको अंदर कर लेता हूँ, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए। ये ना कानों के पीछे कर लो, अब इससे मेरे कान खड़े हो गए, इससे पीके होगा पीके। अच्छा हमने शादी पर वीडियो देखा था याद है, वो भी कितना खराब है। ऐसे करो 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 पापू। अच्छा यहाँ पे बारबेक्यू करेगा, राइस बनाएगा। राइस बना, कितने बजे लगेगा लंच? राइस एक घंटा। लाइन छोड़ दिया, लाइन क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ेगा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा भाई। सो पीछे भी चल रहा है वायर एफ, स्टेज पे चल रही है मैरिज सेरेमनी और स्टेज के पीछे यहाँ रिवर पे ये अपना बारबेक्यू लगा यहाँ पे और इस जगह पे लगेगा लंच। दिस इज ऑल बैम्बू, मेड फ्रॉम बैम्बू। सो ये एरिया है बैक स्टेज का, ये पूरा आर्टिस्ट कैंप बना हुआ है और ये है वीआईपी एरिया, दिखा दूं आपको। यहाँ की खासियत ये है यहाँ पे सब कुछ इको फ्रेंडली है। आप कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। सो ही इज आवर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल। हम लोग एनवायरमेंटल थोड़ा कॉन्शियसनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ और हमारा कल्चर को, हमारा ट्रेडिशन को, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए
आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ घूमना आना चाहते हैं? दिस फेस्टिवल रन्स इन द नेम ऑफ YRF river. Undoubtedly, it's very clean. Rather. And very clean, very clean, very clean. You can see through. I think this is the most clean river. So this is the local rice beer slash wine. और सुबह सुबह बातों बातों में मैं आपको अभिनव से नहीं मिलवा पाया. ये हैं अभिनव. तो मैं और अभिनव साथ में IIT खड़गपुर में थे. Thank you so much. इतने short notice पे हमने सारा कुछ बनाया और तुम लोगों ने इतना tight schedule के बाद किया. यहाँ पे राइस बियर बन रही है इस विलेज में, मेरे को स्मेल आ गई है ना. जर्पी जर्पी इज टेलिंग अस हाउ टू मेक राइस बियर. राइस लाइक वी हैव टू फर्स्ट राइस एंड देन देयर इज वन मेडिसिन, लोकल मेडिसिन. घर पे वो बदबू मारता है कि नहीं? हाँ, आता है, बहुत अच्छा आता है. अच्छा आता है. चलो गाइस, नाउ वी आर एट पाया विलेज. जिंदगी में सब कुछ बन जाइए लेकिन फन ने खाना बनिए. यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि स्कूटी स्कूटी अलाउड नहीं है, स्कूटर अलाउड नहीं है. पन्ने खान बन रहा हो. ये देखो ब्रिज कैसा है भाई, मैं तो वापस हो लूं. काफी लंबा ब्रिज है ना. ये तो ऐसा बेटा, अभी दारू की आदत इसको बचाओ वो ना चल पाए. हैं बेटा, दिस इज अ फ्लोटिंग ब्रिज. बेटा इस पे सही में बाइक लाना डेंजरस है यार. ठंड लग रही है, नहीं लग रही है? सो अभी राफ्टिंग से पहले रेस्ट ओवर देयर. दे हैव मेड सम स्पेशल अरेंजमेंट फॉर अस. दो आदमी क्रॉस करना है. सर गिरेगा तो नहीं? नहीं, सब कुछ बैम्बूस का वहाँ पे बना हुआ है. सो दिस इज अ स्पेशल प्लेस दे हैव मेड. एक टांग पीछे छोड़ा, फंस गई है. सो दीस गाइस हैव बेक फ्रेश फिश फॉर अस. इसी रिवर से पकाना, इसी रिवर से, यहाँ से ना, रिवर से पक रहा है. राइस भी है, मैं तो कमी पीऊंगी. ये वो टेस्टी है. टेस्टी है, मैं भी ले लेता हूं. ये बैम्बू के अंदर उन्होंने राइस बियर डाला है. और मैम ये पत्ता क्यों डाला है? ये ताकि वो पूरा ना निकल. अच्छा, तो वी आर ऑन ट्री हाउस. सामने रिवर है, हाथ में इनके राइस बियर है. क्या बात, मजे है लाइफ के. इसीलिए कहता हूं नॉर्थ ईस्ट आओ घूमने और यहाँ की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करो. ये हमारा कैमरा, हमने डिसाइड किया था कि हर महीने हम एक बेहतरीन ट्रिप करेंगे और उस ट्रिप की इस कैमरे से एक फोटो निकालेंगे, अपने एल्बम में लगाएंगे. ओए बल्ले बल्ले, इतनी सुंदर जगह है यार. अच्छा भाई यहाँ पे आ गए, हम पहले यहाँ आ नहीं रहे थे. फोटो आई क्या? आ रही है. पीछे आएगी पागल. दिखा कैसे, दिखा दिखा दिखा. बहुत अच्छे मोटे. अरे मोटे दिखा तो. देख शिल्पा शेट्टी को लाभ हो जाएगा. सुंदर यार, तू और मैं इकट्ठे एक्सप्लोर कर रहे हैं यार. थैंक्स टू ट्रैवल व्लॉगिंग. मैं तो कहता हूँ थैंक्स टू ट्रैवल व्लॉगिंग. मुझे कभी नहीं घुमा था, असली में नहीं घुमा था. और ऐसी ऐसी जगह था बिल्कुल नहीं घुमा था. मैं इतना कंजूस हूँ क्या? कंजूस नहीं, तो आलसी बोलता पहले घूमने में. आलस की परिभाषा कौन दे रहा है? मॉर्निंग पर्सन. दुखी दुखी क्यों? नहीं नहीं, दुखी दुखी बैठे मैं सबसे देख रही हूँ कि क्या बात है. आप दोनों एंजॉय कर रहे हैं, आराम से देख रहे हैं. पक्का कोई टेंशन नहीं है? नहीं कोई टेंशन है तो बता देना. वैसे जब जीवन में कोई टेंशन हो ना, बातें कर लेनी चाहिए. तो फटाफट चला गया, मैं नहीं आ पा रहा यार, चेक कर गया. मैं भारी हूँ ना, मैं धस जाता बालू के अंदर यार. पीछे थोड़ी मुर्गी आती रही, तो कहती फोटो ले लूंगी. पता मुर्गी कैसे चलती है? देखो देखो वो सोचती है मैं पहुंचू ना पहुंचू, गर्दन पहले पहुंचा दो अपनी. बेटा कुदरत कितनी सुंदर बनाई भगवान ने, चांद ऊपर नीचे पहाड़ और नदी. सो गाइस, हम लोग का फर्स्ट टाइम है अरुणाचल प्रदेश में. एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इज दिस प्लेस. वी हैव कम हियर फॉर यशराज फिल्म्स. वाई आर एफ जो भी हमारा तरफ से दिया ना. नहीं नहीं सर, प्लीज देखो. सर प्लीज, आपने इतना कर दिया बहुत हमारे लिए. हम एक किलो, एक किलो. मैं आपके गिफ्ट की वजह से एक ले लेता हूं. एक किलो, एक किलो. सर आप लोगों का कोई काम ही है ना, मैं आपका कैसे वो पैसे कैसे कर सकती हूं? नहीं हो जाएगा, आपका ये रोजी रोटी है. एक किलो, एक किलो. हां, तो अभी हम लोग आए रशि को पिकअप करने. उसको पता नहीं लगा चुका उसका रिएक्शन, देखते हैं. छुपके जाइए, छुपके. Oh, boy. 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 Boy.
और जो मैम है इतनी अच्छी, इन्होंने रसी का इतना ख्याल रखा मैम, थैंक यू सो मच। शशि बाय कर दो, बाय। रशु फैन का पे फैन। मामा मामा को आवाज लगा, मामा आओ आओ, मामा आओ, मामा आओ, आओ मामा। अब एक्चुअली मेन स्टेज के पास में बहुत भीड़ हो गई है। थैंक यू सो मच। ये इसमें क्या पी रहे हो आप? ये यहाँ पे लोकल जो मिलता है ना, nice beer। Yes, nice beer। कितने का मिल रहा है ये? 100 100 रुपीज का। अभी बैक से लूँ मैं, हमारी शो खत्म होने वाला है। I'm gonna wrap up the show. थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा यहाँ पे आके कैसा लगा। वार्म अप। Thank you so much. Thank you so much everyone for coming here. Thank you to everyone. Love you too. Thank you so much. Yomgo River Festival हुआ है। I will make sure the entire country watches कि आप लोगों ने कितना बेहतरीन organize किया है इसको। And it was my pleasure. Thank you for having me, guys. Thank you everyone. Are you ready? Alright guys, so this was the vlog. Thank you for watching the channel Flying Beast. Signing off from Yomgo River Festival. ये फेस्ट अभी चलेगा 2 दिन और कितने सारे बेहतरीन लोग यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो मच। और जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बात करें अगर इस वीडियो की तो सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा वहाँ के लोगों की, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जितना भी सिस्टम बनाया हुआ था वो सारा इको फ्रेंडली था। सीरियसली मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि अगर खाना लगाया तो उसको जो सा वो बैम्बूज का पूरा बना हुआ, मतलब जिसमें सर्व किया जाएगा, फिर इवन पानी मतलब यहाँ से निकल कर आ रहा है, जो टैप है वो भी बैम्बूज का बना हुआ था, जो बियर भी पी रहे थे वो भी बैम्बूज, और इसमें पत्ता भी रखा हुआ था, फिर इसके बाद जो ब्रिज बना हुआ है वो भी बैम्बू का बना हुआ है। तो मतलब वाकई में वहाँ के लोग, मतलब इसीलिए वो लोग इतने खूबसूरत दिखते हैं क्योंकि वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल। और इसीलिए जब भी हम कहने लेते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड की कोई वीडियो देखते हैं ना, तो हम इसलिए बहुत साफ सुथरा नजर आता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मैं रिसेंटली एक जगह गया हुआ था, वहां पे लोगों ने इतना गंद फेंका हुआ था, प्लास्टिक फेंका हुआ था, मुझे देख के दुख हो रहा था। मुझे लगा शेयर करने का था, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। नहीं, प्यार तो वाकई बहुत मिला, मजा बहुत आया। लेकिन वहां पे वैसे ये चीज़ तो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मतलब अगर नॉर्थ साइड पर हम लोग भी जाएं, जैसे मरी वगैरह में जाते हैं, वहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा गंद फैला दिया हुआ है, बट ये जगह साफ रखने वाली, वैसे तो हर जगह साफ रखने वाली, बट पता नहीं लोगों को कब समझ आएगी, बट मुझे ब्लॉग देखने का इतना मजा आया। एक तो लाइक गौरव सर की और ऋतु मैम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है जैसे वो बातें करते हैं, और मुझे मुर्गी वाला उनका जो ये स्टेप बहुत अच्छा लगा। मतलब एक गाना भी आया था ना, गाना नहीं म्यूजिक ही था, मुर्गी वाला ही था, उस टाइम पर सब बड़ा एंजॉय करते थे इसको। बढ़िया कि फेस्टिवल बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत जगह थी जो हम लोगों ने देखा, यानी कि रिवर के किनारे, और वाकई में जैसे उन्होंने बोला यशराज फिल्म्स है। मतलब मुझे खूबसूरती ये लगती है वहां की, अगर हम लोग देखें
कि वहाँ पर ना औरतों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, वैल्यू दी जाती है। जैसे कि उन्होंने दिखाया कि शादी पे जो है लड़के वाले जिसका स्वागत कर रहे थे, किसका इजहार किस तरीके से करते हैं। और इसके अलावा भी मौजूद जब हम लोगों ने फैक्ट्स देखे हैं या फिर हम लोगों ने उसके बाद जो वीडियोस देखी थी व्लॉग्स, तो उससे भी पता चलता है। हमने जो लेंसिंग की जो वीडियो देखी थी उसमें भी जिस तरह वो सर्विंग कर रही थी औरतें और खाना भी औरतें ही बना रही थी, तो यहाँ से आपको मालूम होता है कि वहाँ पे कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे कितना ज्यादा जो है सम्मान दिया जाता है औरतों को। और वाकई में अगर अरुणाचल की बात करूँ, वाकई बहुत खूबसूरत है, क्योंकि लेंसिंग की वीडियो में भी हमने जितना भी देखा है वो भी बहुत खूबसूरत है, और आज भी जो देखा है वो भी बहुत खूबसूरत है। और अगर मैं ब्रिज की बात करूँ तो वाकई ऐसे ब्रिजेस पे जो है ना बाइक चलाते हुए क्या पैदल जाते हुए भी बहुत डर लगता है। वैसे लगता है कि ऐसे ब्रिजेस पर वाकई में आपको बाइक या स्कूटी वगैरह लेकर नहीं जाना चाहिए। मैं मतलब वो तो वैसे जब वॉक करो तो ऐसे इतना हिलते डर लगता है। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं ना गया था ना घूमने फिरने, तो वहां पे मैंने जो है वो ब्रिज नया ही बना हुआ था, लेकिन यू नो उसका जो स्टाइल था वो पुराना ही था, तो उस पे एंड पे आके जब मैंने ब्रेक लगाया तो मेरी बाइक स्लिप होते होते बच गई। ओके, ये कि हम लोग वीडियो देखने का बहुत मजा आया। और यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने बात की कि औरतों को वहां पर बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि और कहीं पर औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता, बट ये कि एक थोड़ा ज्यादा मतलब वहां पर रिस्पेक्ट दी जाती है। नहीं, रिस्पेक्ट नहीं मौजूद, जैसे हम लोगों ने फैक्ट्स देखे थे उसमें ये भी था कि लाइक जैसे जो आपकी जायदाद होती है उसका हिस्सा देख लें, या फिर शादी का मतलब जो भी सीन होता है, तो काफी ज्यादा काफी चीजों में औरत को मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। बिल्कुल, ओवरऑल ये तो हमारी आज की वीडियो, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम फिर अरुणाचल की शादी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वो वीडियो जो है खराब हो गया। पता नहीं उसमें क्या इश्यू है कि वो खराब होगी, हम लोगों ने सही करने की कोशिश भी की, पर पता नहीं वो ग्लिच कैसे वाला था कि वो गया ही नहीं। फिर उसके अलावा मैं यहाँ पर जाते जाते बात करूंगी कि मुझे जो ड्रेस था ना, जो बिल्कुल जो फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो जो ड्रेस पहनी थी डिफरेंट कलर की, मुझे उनकी वहाँ की वो बड़ी अच्छी लगती है, वो उनकी एक रवायती आई थिंक कपड़े हैं जो वहाँ के, टोपी नहीं नहीं टोपी हाँ टोपी तो सबसे अच्छी थी, और वो मेरे हाथ में जो मैरिड लोग है ना जो मर्द हजरात उनको ज्यादा अच्छी लगेगी। मैंने अपनी बाजी को भी बुलाना, मैंने बात सुनना। तो भी हमारी आज वीडियो है, आप लोगों ने एंजॉय की होगी, और इसी के साथ अब हमें दे चार्ज हमारी वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें, कीप अस इन योर प्रेयर्स, टिल देन गुड बाय।